पढ़ने से पहले आपको नाउन चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है जी? ठीक है, तो देखिए आज जो हमारे पास प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें पहले डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम एक एक करके टाइप्स को लेकर चलेंगे, और जैसे ही हम एक टाइप करेंगे तो उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, फिर ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम हाई लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं आए हैं, ठीक है, जल्दी से सभी ऑनलाइन आ जाइए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फिर, आई थिंक टाइम हो गया है हमारा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट देखिए आपके पास क्या है। पहली बात तो डेफिनेशन प्रोनाउन की, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, या सबको पता ही है कि प्रोनाउन क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स, ठीक है, विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि आप कह सकते हैं कि वर्ड्स टू स्टॉप द रेपिटिशन ऑफ ए नाउन इन अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप सबको पता है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं, और वो आपके पास नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए भी सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी सेंटेंस अगर लिखूँ, तो सपोज मैंने लिखा कि ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो सेंटेंस में मैंने नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए बार बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने इसके लिए एक प्रोनाउन लगा दिया जो कि आपके पास क्या है, ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसकी रेपिटेशन, जो नाउन की रेपिटेशन है उसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, वहाँ पर दोबारा से उसके लिए एक पर्सनल प्रोनाउन, जो एक स्पेसिफिक प्रोनाउन जो यूज़ होगा वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूज़ कर दिया। क्लियर सबको इतना? ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं लिखूँ कि सपोज मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। अगर मैं लिखूँ ठीक है, मैंने लिखा ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसबिहेवियर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ही जो है उसके लिए एक मैंने एक क्या किया, उसको डिनोट करने के लिए मैंने एक प्रोनाउन का यूज़ किया जो कि पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है यहाँ पे म
मान लो मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, अगर मैंने लिखा मिस्टर जॉन बीइंग अ गुड टीचर ही इज लाइक्ड बाय ऑल, ठीक है, मैंने लिखा मिस्टर जॉन बीइंग अ गुड टीचर ही इज लाइक्ड बाय ऑल। अब ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है इसमें क्या है कि पूजा जोशी का मैसेज आया है, ठीक है, ओके ही मैं ही ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मिस्टर जॉन जो है यहाँ पर ये एक नाउन है, तो बीइंग अ गुड टीचर ये इसके लिए क्वालिफायर का काम कर रहा है, ठीक है ना। बीइंग अ गुड टीचर जो यहाँ पर लिखा है ये इसके यहाँ पर मिस्टर जॉन एक सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने इस वर्ब जो है वहाँ पर लगा दी गई है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं कि जिसमें हमें प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर नाउन ही सफिशेंट था एक सब्जेक्ट की तरह जो कि सेंटेंस में एक्ट कर रहा था आपके पास, ठीक है गाइस, क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास मिस्टर जॉन के अकॉर्डिंग जो है वो सिंगुलर वर्ब आ गई है, ठीक है, क्लियर है सबको इतना, ठीक है। तो मिस्टर जॉन बींग अ गुड टीचर ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल नहीं आएगा, सिर्फ आएगा मिस्टर जॉन बींग अ गुड टीचर इज़ लाइक्ड बाय ऑल, ठीक है। मिस्टर जॉन के अकॉर्डिंग इस वर्ब लगी है, ही लगाने की ज़रूरत इस केस में नहीं है। वो प्रोनाउंस वही प्रोनाउंस होते हैं जो आप पर्सन्स की बात करते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हैं पर्सन्स की बात करते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये सारे आपके पास क्या हो जाते हैं, यही आपके पास पर्सनल प्रोनाउंस हो जाते हैं। अच्छा जी, अब तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आप सबको पता ही है ना, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं ये तो याद ही होगा सबको, जिसको नहीं पता वो देख लेना, आई बी हो गया जैसे, सेकंड आपके पास यू हो गया, थर्ड आपके पास हो गया ही हो गया या शी हो गया या इट हो गया, ठीक है। तो सारे नाउन्स हो जाएंगे, ठीक है, राम जॉन वगैरह को कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये तो नाउन्स हैं सारे, ठीक है, क्लियर है ना सबको, ठीक है जी। तो ये सारे क्या हैं, नाउन्स हैं, तो इसको हम लेकर नहीं चलेंगे यहाँ पर। तो आपको फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है सबको, ठीक है, जिसको नहीं क्लियर होगा वो बता देना कमेंट्स में। चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, आगे आ जाइए, आगे हम बात करेंगे कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस की। देखो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना, लाइफ टाइम काम काम आएगा आपको, ठीक है ना, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी। देखो पोजेसिव प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होंगे, देखो पहली बात तो जैसे आप, हम कभी कई बार आपने सुना होगा हम लिखते हैं माइन, ठीक है, हम लिखते हैं योर्स, हम लिखते हैं आवर्स, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं हिज, हम लिखते हैं हर्स, क्लियर है। तो ये जो सारे आपके पास ये वाले क्या हो जाते हैं, ये ऐसे वाले जो आपको दिखते हैं ना वर्ड्स, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके पास, पोजेसिव प्रोनाउंस हो जाते हैं, ठीक है, देयर्स भी हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा अब मैं एक एक करके सब्जेक्ट लेंगे हम, मतलब कि मैं यहाँ पर ऊपर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा एस यू बी सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, यहाँ मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया पोजेसिव,
एडजेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ मैंने लिख दिया पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इतना क्लियर है, सबको दिख रहा है, सबको विजिबल है, ठीक है, आई थिंक सबको विजिबल होगा ये। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सब्जेक्ट लिखा है, एक ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन लिखा। अब जो सब्जेक्ट होगा आपके पास सेंटेंस में, उसको कई बार हम नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, सब्जेक्ट को हम कई बार नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, और जो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। नॉमी यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड को, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट को हम कई बार बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस जो है आपके पास, ये कैसे होंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं सब नंबर वन पे लिखने जा रहा हूँ, नंबर वन, नंबर वन में देखिए यहाँ पर आपके पास अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट लेता हूँ, मान लो मैंने आई लिया, ठीक है, मैंने मैंने क्या लिया, मैंने लिया आई, ठीक है। अब आई जो है आपके पास, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट आपने याद रखना, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी, ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा मी हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करें आई का, तो वो क्या हो जाता है आपके पास, माई हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, माई हो जाता है। और पोजेसिव प्रोनाउन आपके पास हो जाता है माइन, MIN, माइन, क्लियर है सबको, ठीक है। अब जैसे हम कोई भी सेंटेंस आई से बनाते हैं ना, ठीक है, हाँ जी, आई से बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, मी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, अब बाय मी मेरे द्वारा किया गया है, तो बाय मी यानी कि मी लास्ट में लगा है, तो मतलब मी एक ऑब्जेक्ट है, किसका, आई सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई बुक, माई पेन, माई पेंसिल, इस तरीके से वो मेरी चीज़ है, माई बोला तो मतलब माई जो है यहाँ पर वो क्या है, एक वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब वो अधिकार बताने वाला एक एडजेक्टिव है, ठीक है, अधिकार बताने वाला एक एडजेक्टिव है, तो माई आपके पास पोजेसिव वाला एडजेक्टिव होगा। और जो माइन है आपके पास, ठीक है, जो MIN माइन आपको दिख रहा है, ये आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद रखना। सेकंड नंबर पे चलते हैं, देखो सेकंड नंबर पे अगर मैं लूँ ही, ठीक है, अगर मैं ही वर्ड ले रहा हूँ, तो ही वर्ड के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, ठीक है, ही वर्ड के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, तो आप सबको पता है ही वर्ड के लिए हम ऑब्जेक्ट में क्या लगाते हैं, हिम लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में लगाते हैं हिम, पोजेसिव एडजेक्टिव में लगाते हैं हम हिज, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या लगाते हैं, हम हिज लगाते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन में हम क्या लगाते हैं, अगेन हिज लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, दोबारा से हिज लगा देंगे। थर्ड केस पे आ जाइए, अगर मैं शी लिख रहा हूं, तो शी RS, hers। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं दे की, दे का आपके पास ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमेशा देम होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, देयर, TH EIR, और पोजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है देयर्स। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें, तो अगर मैं इट लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने इट लिखा, तो इट का पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस भी इट रहेगा, और पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा इट्स, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पे डैश लगा के, तो इसका पोजेसिव केस आपके पास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पे देखिए, अगर मैं बोलूँ वी,
ठीक है, अगर हम वी की बात करें तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? अवर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? अवर्स, OURS, अवर्स। ठीक है, तो ये मैंने जो कुछ आपके पास वर्ड्स लिखे ना, ये सब आपको पता होना चाहिए कि हम मतलब किस तरीके से सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब मैं बोलूँ, मान लो मैंने दे बोला, ठीक है, जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव केस हो जाएगा, देयर बुक्स, ठीक है, देयर पेन, इस तरीके से। अगर हम बात करें यहाँ पे वी की, तो वी की क्या है, वी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। ठीक है, तो अस भी आप हमेशा लास्ट में लगाते हैं सेंटेंस में, स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट के तौर पे तो कभी यूज़ ही नहीं करते इसको, ठीक है ना, तो ये भी हमेशा लास्ट में ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि द प्रेयर हैज़ बीन डन बाय अस, तो इस तरीके से अस आपने लास्ट में लगा दिया। तो ये कुछ केसेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसको आप अपनी कॉपीज पर उतार लेना, ठीक है, दोबारा अभी उतारना तो अभी उतार लो जल्दी से, और बाद में जिन नहीं उतार पाएंगे तो बाद में आप दोबारा से इसको रिपीट करके देख लेना। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको? इतना किसी को कुछ पूछना है जल्दी से कमेंट्स कीजिए फटाफट से। अब किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, तो अगर तो क्लियर हो गया आप सबको तो कमेंट कर दिए कि क्लियर है, अगर नहीं है पूछना है तो जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए, फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, अभी टाइम नहीं है हमारा, टाइम हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो सभी। कमेंट कीजिए गाइस जल्दी से, क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इतना आपको क्लियर हो गया हुआ है, ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको क्लियर है। अब मैं देखो इसी से रिलेटेड आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, तो आगे जब हम चलेंगे तो आगे हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, आगे हम बात करेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर की। बट फर्स्ट स्ट्रक्चर को करने से पहले मुझे कुछ आपको बताना है, और बताना ये है कि जो हमने पीछे यहाँ पर जो हमने ये किए हैं ना पोजेसिव प्रोनाउंस, इनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। ठीक है, इनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैं फर्स्ट अभी स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, माइन का यूज़ करना, क्लियर है सर? ठीक है, हाँ, मैं रियर है ना, मैं अभी करने ही लगा हूँ, ठीक है, अभी हम करने ही लगे हैं इस चीज़ का यूज़। ठीक है, तो गाइज ये फर्स्ट स्ट्रक्चर नहीं अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो देखो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले अभी हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ठीक है, किसकी? पोजेसिव प्रोनाउन की, पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स ले रहा हूँ अभी गाइस, ठीक है ना, याद रखना, अभी पहला स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हम, एग्जांपल्स ले रहा हूँ पोजेसिव प्रोनाउन की। नंबर वन सेंटेंस, देखो सबसे पहली बात मैंने लिखा है दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो माइन, अब एक चीज़ याद रखना, जो भी आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना, मान लो मैंने ये पोजेसिव प्रोनाउन माइन लिखा है, अब इस माइन के अंदर ही आपके पास जो दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें आपके पास माई होगा प्लस साथ में इसमें सेंटेंस में यूज़ होने वाला नाउन होगा। ठीक है, माइन वर्ड के अंदर याद रखना एक तो एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, जो माइन, जो आई के लिए माई लगता है ना पोजेसिव एडजेक्टिव, एक तो वो होता है और साथ में एक नाउन होता है, और ये नाउन वही नाउन होगा गाइज जो आपके पास सेंटेंस में दिया होगा। ठीक है, ये नाउन वही नाउन होगा जो सेंटेंस में आपके पास दिया होगा। अब देखो अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो इस सेंटेंस का जो नाउन है वो क्या है, इस सेंटेंस का जो नाउन है गाइज वो क्या है, वो आपके पास एक बुक है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, इस सेंटेंस में नाउन क्या बोला था हमारे पास, बुक था। अगर यहाँ से हम इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ दिस बुक इज
माई बुक, ठीक है। मैं अभी इस सेंटेंस को ऐसे लिख रहा हूँ, दिस बुक इज़ माई बुक। तो देखो, चाहे आप इस तरीके से बोलोगे या आप इस तरीके से बोलो, बात एक ही है, ठीक है। या आप इस तरीके से बोलो ये भी ठीक है, इस तरीके से बोलोगे तो ये भी ठीक है। बट मैंने माइन इसलिए लगाया क्योंकि मैं सेंटेंस में नाउन की दो बार रेपिटेशन को रोकना चाहता था। मैं सेंटेंस में माइन की रेपिटेशन को दो बार रोकना चाहता था, सॉरी, बुक की रेपिटेशन को दो बार रोकना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइन लगाया है। तो यही आपके पास एक पजेसिव प्रोनाउन है जो कि नाउन की रेपिटेशन को रोक रहा है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बोला दिस बुक इज़ माइन, या मैं बोलता दिस बुक इज़ माई बुक, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब। अब देखो, ये वाला जो माई है वो ये वाले माई के बराबर आ गया, मतलब ये दोनों सेम चीज़ें। अब देखो, बुक आपके पास क्या आ गई, नाउन आ गई। बुक क्या आ गई, यहाँ पे एक नाउन आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसलिए मैं इस सेंटेंस को, मैंने माई बुक की जगह यहाँ पर मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, माइन लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर एक पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर दिया क्योंकि माइन से मुझे ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इसमें एक माई आ रहा है और साथ में इसमें एक सेंटेंस में आने वाला नाउन भी आ रहा है जो कि क्या है, बुक। बुक है जो कि क्या है, सेंटेंस में एक नाउन है आपके पास, ठीक है। कामिनी शर्मा, दिस इज माई बुक। ठीक है, कामिनी शर्मा लिखा है दिस इज माई बुक। देखो, इस तरीके से भी सेंटेंस बोल सकते हैं दिस इज माई बुक, बट इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ ना, दिस बुक इज माई बुक। तो यहाँ पर मैंने देखो बुक की जगह क्या लिखा, यहाँ पर मैंने बुक लिख दिया दोबारा से, और माइंड की जगह मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया। तो मतलब बात जो सेंस है वो दोनों की सेम बन रही है, ठीक है। बट मैंने क्या किया, माई बुक की जगह माइंड यूज़ कर दिया है, ठीक है गाइस, क्लियर है आपको इतना, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस सेंटेंस में रेपिटेशन रोकने के लिए मैंने यहाँ पर माइंड का यूज़ कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है सबको। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि, अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूँ, मैंने लिखा हर्स, HERS, हर्स इज अ न्यू कार, ठीक है, हर्स इज अ न्यू कार। तो यहाँ पर हर्स जो है, यहाँ पर एक ये आपका एक हर को शो कर रहा है, प्लस साथ में ये एक नाउन को भी शो कर रहा है। और ये नाउन कौन सा है, ये नाउन वही है जो सेंटेंस में मैंशनड है, यानी कि कार, ठीक है। तो हर कार इज़ अ न्यू कार, इस सेंटेंस का मतलब ही है। तो अगर आपने आपने इसको शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में बोलना चाहते हैं, तो आप प्रोनाउन लगा कर भी बोल सकते हैं हर इज़ अ न्यू कार। मतलब इसका सेंटेंस का मतलब क्या है कि हर कार इज़ अ न्यू कार, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हर इज़ अ न्यू कार जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छा, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया दिस पेन इज माइन पेन, ठीक है, मैंने लिखा दिस पेन इज माइन पेन। तो अब दोबारा से देखो क्या बोला, कि जो माइन है, आपको पता है माइन क्या के साथ क्या मतलब है, माइन प्लस नाउन है, ठीक है, माई प्लस नाउन है माइन में। तो इसका मतलब अगर ऑलरेडी यहाँ पे एक नाउन लग चुका है तो क्या इस नाउन की जरूरत है लिखने की, जो पेन लिखा है, अगर नहीं जरूरत नहीं है तो मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा फिर। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो भी होते हैं उसके आगे, आप आगे वाली साइड पे आप कभी भी एक एक्स्ट्रा नाउन यूज़ नहीं करते, ठीक है। डू नॉट यूज़ एन एक्स्ट्रा नाउन विद द पोजेसिव प्रोनाउन, इतनी बात क्लियर है। पोजेसिव प्रोनाउन के साथ आपने कभी भी एक और जो है नाउन जो है वो यूज़ आपने नहीं करना है, ठीक है जी। पोजेसिव प्रोनाउन के साथ एक और नाउन आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो हर्स इज अ न्यू कार, सही है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, सही है, ठीक है। और दिस बुक इज माइन का दूसरे तरीके से मतलब मैंने बता दिया कि उसको किस तरीके से लिखा गया था, दिस बुक इज माई बुक, मतलब कि उसको तोड़ के लिखा गया था माइन को। क्लियर है सबको, दिस इज माई बुक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए जी, इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप सो आपको, ठीक है, देख लेना इसको एक बार। तो ये थे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन के कुछ यूजेस, कि हमको उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और भी कई सेंटेंसेस हैं ना, जैसे मैं बोलूँ आवर्स इज अ न्यू सिटी, आवर्स इज अ न्यू कंट्री, इस तरीके से कई सेंटेंस बन जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एक बार देख लेना आप। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। अब हम अपना स्ट्रक्चर नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं।
स्ट्रक्चर नंबर वन जो है आपके पास वो क्या बोलता है कि मैं स्ट्रक्चर नंबर वन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि ये शायद किसी ने लिखा नहीं होगा अभी तक। तो स्ट्रक्चर नंबर वन, अब स्ट्रक्चर नंबर वन आपके पास है रूल ऑफ, गुड मैनर्स, ठीक है, रूल ऑफ गुड मैनर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। ये आपने पढ़ा भी होगा शायद, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा होगा पहले। तो देखो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि जब भी हम किसी एक सेंटेंस में टू और मोर देन टू टाइम्स टू और मोर देन टू टाइम्स वी यूज़ द प्रोनाउन, ठीक है। मतलब रूल ऑफ गुड मैनर्स में बात करेंगे कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में, एक पर्टिकुलर सेंटेंस में हम दो या दो से ज़्यादा बार किसी दो या दो से ज़्यादा बार हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर उन जो प्रोनाउंस की जो नंबरिंग है या उनका जो ऑर्डर है वो किस तरीके से रखेंगे, ठीक है, उन जो वो जो प्रोनाउंस हम लगाएंगे वो हम किस तरीके से वहाँ पर उनको प्लेस करेंगे, ठीक है, उनका क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर, तो मान लो कि आपके पास, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो वो हम, अगर मान लो आपके पास कोई पॉजिटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस, ठीक है, यानी कि आप पॉजिटिव वे में उस सेंटेंस को बता रहे हो, तो पॉजिटिव सेंस में आपने याद रखना है कि आपने हमेशा 2-3-1 ऑर्डर लगाना है, ठीक है। 2-3-1 ऑर्डर आप लगाएंगे जिसमें टू जो है आपके पास वो चलेगा, आप रहेगा आपके पास सेकेंड पर्सन, मान लीजिए आप यू है, थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन, मान लीजिए आप ही है, शी है, इट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वन का मतलब मान लीजिए कोई फर्स्ट पर्सन है, जैसे मैंने आई मान लिया, ठीक है, वी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो 2-3-1 का मतलब है कि आपने इस तरीके से उस प्रोनाउन का जो है वो ऑर्डर रखना है सिर्फ पॉजिटिव सेंस वाले के सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव सेंस वाले जो सेंटेंसेस होंगे उनमें आपने जो ऑर्डर है वो इस तरीके से आपने रखना है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ रूल ऑफ गुड मैनर्स क्यों का बोला गया है इसको। मान लो कि सुपोज करो कि मान लो ये आप हो, ठीक है, मान लो ये आप खड़े हो यहाँ पे और यहाँ पर ये कोई गेस्ट आया आपके घर पे, ठीक है, मान लो ये आप हो, इट इज़ यू, ठीक है, क्लियर है, मान लो ये आप हो और ये आपके घर पे क्या है, कोई गेस्ट आया है यहाँ पे, ये आपका घर है और आपके घर पे कोई गेस्ट है, और एक तीसरा जो पर्सन है वो मान लो बाहर खड़ा है, ठीक है, एक तीसरा पर्सन जो है वो बाहर खड़ा है और ये जो पर्सन है ये भी बिग गेस्ट ही है, ठीक है, ये गेस्ट नंबर थ्री है, GUEST गेस्ट नंबर थ्री है, ये गेस्ट नंबर, सॉरी, गेस्ट नंबर टू है और ये गेस्ट नंबर वन है, ठीक है, गेस्ट नंबर टू और गेस्ट नंबर वन। अब ये आप हो, ठीक है, दिस इज यू, तो बताओ कि मुझे जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट नंबर वन आएगा, तो मान लो आप कोई कुछ चीज़ ऑफर कर रहे हो उसको, मान लो आप टी ऑफर कर रहे हो, तो सबसे पहले किसको ऑफर करोगे, जो गेस्ट आपके सामने खड़ा है उसको करोगे या जो बाहर है, मतलब जो आपके सामने खड़ा है मतलब वो कौन सा पर्सन है, वो सेकंड पर्सन होगा ना, आप तो फर्स्ट पर्सन हो, वो आप स्पीक करो, वो ये बस ये जो आप हो वो क्या हो, वो स्पीक करो, और ये जो है ये क्या है, ये लिसनर है, आपकी बात सुनने वाला लिसनर हो जाएगा, ठीक है, और बाहर वाला ये थर्ड पर्सन बाहर खड़ा है, ठीक है, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब मुझे बताओ कि पहले आप किसको ऑफर करोगे, आप सेकंड पर्सन को ऑफर करोगे पहले, है ना, जो आपके सामने खड़ा होगा पहले उसको चाय ऑफर करोगे, तो यानी कि टू का टू पहले आ गया, उसके बाद आप खुद तो नहीं पियोगे ना चाय, ठीक है, आप तीसरे पर्सन जो तीसरा गेस्ट है जो आपके पास बाहर खड़ा है जो गेस्ट नंबर टू है उसको ऑफर करोगे, मतलब वो कौन सा पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है, तो यानी कि उसके बाद किसको दोगे, थ्री को, और उसके बाद कौन लेगा, आप खुद लोगे, तो आप कौन हो, आप फर्स्ट पर्सन हो, तो इसका मतलब 2-3-1 रूल यहाँ पर लग जाएगा, तो इसको याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने सेंटेंस में यहाँ पर इस तरीके से 2-3-1 को हमने यूज़ करना है, रूल को यूज़ करना है, बट ओनली इन द केस ऑफ द पॉजिटिव सेंस, जब हम पॉजिटिव सेंस की बात करेंगे, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ एक सेंटेंस नंबर वन,
कि यू एंड आई विल बी अवॉर्डेड, ठीक है, ही यू एंड आई विल बी अवॉर्डेड। तो देखो यहाँ पर आपके पास ही जो है वो थर्ड पर्सन है, यू सेकंड है और यह फर्स्ट है, लेकिन सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, अवार्ड देने की बात की जा रही है ना, ठीक है। सेंटेंस तो कुछ भी बना सकते हो आप, ही यू एंड आई विल बी अवॉर्डेड, ही यू एंड आई विल बी एडमायर्ड, कुछ भी बना लो सेंटेंस। तो यहाँ पर देखो ही जो है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, बट सेंस तो पॉजिटिव सेंस आ रही है यहाँ पर, सेंस तो पॉजिटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव सेंस आएगी तो इसका मतलब ऑर्डर गलत लगा है यहाँ पे, 3-2-1 नहीं होगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। ऑर्डर तो 2-3-1 होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा फिर, यू ही एंड आई विल बी अवॉर्डेड, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल, आई होप आप सबको क्लियर होगी होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास रूल ऑफ गुड मैनर्स का फर्स्ट केस, 2-3-1, पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में लगाना है, नेगेटिव वाले में नहीं लगाना, सिर्फ पॉजिटिव वाले में। इसको मैं अब नीचे रफ कर रहा हूँ। अब चलते हैं दूसरी बात पे, ठीक है, सेकंड से केस में चलते हैं। सेकंड केस मैं बता रहा हूँ आपको जो यहाँ पर, वो आपने याद रखना है, वो ये है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो और उस सेंटेंस में वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव सेंस, अब ये सेंटेंस जो सेंस देगा यहाँ पर सेंटेंस, उसमें भी अगर हम दो या दो से ज़्यादा बार किसी प्रोनाउंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, तो वहाँ का ऑर्डर जो है वो आपने याद रखना है 1, 2 एंड 3, ठीक है, वहाँ का ऑर्डर जो है वो आपने याद रखना है, द ऑर्डर विल बी 1, 2, 3 रहेगा। और ये जो ऑर्डर है, अगर इसके लिए हम कोई सेंटेंस बनाएं, तो मैं सेंटेंस अगर लिखूँ कि मैंने लिखा अगर यू शी, ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, मैं कुछ भी लिख लो, मान लो मैंने वी लिखा, यू शी एंड वी विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पे पनिशमेंट की बात हो रही है, मतलब नेगेटिव सेंस में ऑलरेडी सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंस में है, तो इसका मतलब है ऑर्डर जो है वो आपके माइंड में आना चाहिए कि ऑर्डर शुड बी 1, 2, 3, यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 1, 2, 3 होना चाहिए। बट यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा गया है वो क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा गया है वो क्या है, वो है 2, यहाँ पर आपके पास 3 एंड यहाँ पर आपके पास 1, सो दैट सेंटेंस विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। सो योर राइट सेंटेंस विल बी वी फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकेंड पर्सन आएगा, दैट इज़ योर यू, एंड देन आफ्टर दैट यू विल यूज़ द थर्ड पर्सन, और वो क्या है आपके पास, शी है सेंटेंस में, विल बी पनिश्ड, ठीक है, यू वी यू एंड शी विल बी पनिश्ड, सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके पास सेकंड वाला केस जो मैंने आपको बताया है कि जिसमें आपने अगर नेगेटिव सेंस कोई सेंटेंस देता है, तो नेगेटिव सेंस में आप हमेशा याद रखना ऑर्डर जो होगा वो आपके पास 1, 2, 3 होगा, ऑर्डर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1, 2, 3 ऑर्डर। क्लियर है गाइस सबको, अब जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए फटाफट से, बहुत देर होगी कमेंट नहीं आया आपका, ठीक है, इतना क्लियर है सबको या रिपीट करना है, तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए, ठीक है, फटाफट से सभी कमेंट कीजिए अपने अपने, जो अगर क्लियर है तो क्लियर बताइए, नहीं है तो रिपीट करना है तो जल्दी से बता दो। ठीक है जी, सो नेगेटिव सेंस में 1, 2, 3 का आपने हमेशा यूज करना है, और पॉजिटिव सेंस में आपने 2, 3, 1 का यूज करना है। अब तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास सारे के सारे जो प्रोनाउन, कामिनी शर्मा क्लियर है, यस ओके, अगर मैं बात करूं कि सारे के सारे जो प्रोनाउन्स हैं सेंटेंस में लगने वाले, अगर वो सारे प्लूरल हो जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपके पास सेंटेंसेस है उसमें क्या है, एक ही सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, आई सिंगुलर है लगा हुआ यहाँ पर, बट अगर मान लो कि सारे प्लूरल हो जाए, तो उस केस में हमारी रूलिंग जो है वो क्या रहेगी, तो चलिए देखते हैं उस केस में रूलिंग क्या रहेगी। यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, फर्स्ट वाले केस को रफ कर रहा हूँ। ओके, हेमंत लता को भी क्लियर है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सपना चौहान क्लियर है, ओके,
तो देखो यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ कि सारे के सारे अगर सेंटेंस में आने वाले जो प्रनाउंस हैं वो प्लूरल हो जाएं, ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ ऑल प्रनाउंस आर प्लूरल, अगर सारे के सारे प्रनाउंस प्लूरल हो जाएं तब आपका क्या ऑर्डर रहेगा? देन योर ऑर्डर विल बी अगेन 1 2 3। तो आपका फिर से जो ऑर्डर है वो गाइज याद रखिए वो रहेगा 1 2 3, ठीक है। अब देखो इस केस में कोई मैटर नहीं करेगा कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। प्लूरल वाले केस में ऑर्डर 1 2 3 ही चलेगा, ठीक है ना। अब देखो मैं लिख रहा हूँ कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन के लिए, मान लो मैंने लिख दिया वी, सेकंड पर्सन के लिए मैंने लिख दिया यू, एंड थर्ड पर्सन के लिए मैंने लिख दिया दे, ठीक है ना। अभी थर्ड पर्सन के लिए तो प्लूरल वाला दे ही होगा, ठीक है। सो वी यू एंड दे हैव गॉन टू द सेनेटोरियम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अगला सेंटेंस आ गया। तो इसमें भी हमने क्या देखा, अब सारे प्लूरल हैं, देखो वी भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है। वी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन हो जाएगा, दे हमारे पास थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट क्या थी 2 3 1 पॉजिटिव सेंस के लिए, सेकंड क्या थी नेगेटिव सेंस के लिए 1 2 3, अगर सारे प्लूरल प्रोनाउंस हो जाए तो अगेन 1 2 3 ऑर्डर आपका रहेगा सेंटेंस में। चलिए इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस के ऊपर और चल देखते हैं अपने पास नेक्स्ट केस को, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, देखो। अब अगला जो मेरे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन है कि हाउ टू प्लेस अ प्रोनाउन आफ्टर लेट बिटवीन एक्सेप्ट एंड ऑल प्रेपोजिशंस। कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई सेंटेंस में लेट वर्ड आता है या वो लेट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, या मान लो कोई यहाँ पर आपके पास कोई बिटवीन वर्ड लगा, बिटवीन प्रेपोजिशन लगी है, एक्सेप्ट लगा है, या जितने भी प्रेपोजिशंस की हम बात करते हैं, तो उस केस में हम प्रोनाउन को जो है वो कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। ऐसे केसेस में हम प्रोनाउन को कैसे प्लेस करेंगे, तो देखो अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने अभी पीछे बताया था, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केसेस होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केसेस होते हैं, और ये कौन से केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो याद रखना जब मैं सब्जेक्ट बोलूंगा तो समझ जाना नॉमिनेटिव केस होगा, जब मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो समझ जाना ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है गाइस, क्लियर है सबको। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, दे का देम ऑब्जेक्ट, इट का इट ऑब्जेक्ट, वी का अस ऑब्जेक्ट। अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं मान लो कोई मैं सेंटेंस अगर लिखूं, ठीक है, अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ जो मैंने लेट से स्टार्ट किया है, मान लो ठीक है, मैंने सेंटेंस कोई भी लेट से स्टार्ट किया और मैंने उसके आगे एक ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। डू हिज वर्क, ठीक है। तो यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा लेट डैश डू हिज वर्क, या मैं बोलूं लेट गो टू स्कूल। तो जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है कि हाउ टू प्लेस अ प्रोनाउन आफ्टर दीज काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस, ठीक है, तो वहां पर आंसर क्या होगा कि दैट योर आंसर इज, आंसर क्या होगा आपका कि आपने हमेशा याद रखना, आपने हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं वहां पर, आपने कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है हमेशा ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मान लो मैं लेट के आगे ब्लैंक छोड़ा है, तो मैं यहाँ पर, अब देखो मुझे यहाँ पर हिज दिख रहा है, हिज मतलब कि क्या है, हिज मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है ही वर्ड के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा था ना, ये देखो ही वर्ड दिख रहा है ना, ही वर्ड, ये देखो ही वर्ड का पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा था, हिज, ठीक है, और पोजेसिव प्रोनाउन भी क्या था, हिज, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो मैंने मतलब यहाँ पर क्या यूज करना है, अब देखो हिज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव,
तो इसके लिए आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस यूज़ करना है इसका। तो ऑब्जेक्ट केस क्या लगेगा हिज के अकॉर्डिंग यहाँ पे? हिम क्या लगेगा यहाँ पर? हिम इज़ योर राइट आंसर, लेट हिम डू हिज वर्क। सेम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे लेट कर लेना ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप आई को चूज़ करोगे या मी को चूज़ करोगे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दैट यू विल चूज ऑब्जेक्टिव केस एंड यू विल प्लेस हेयर मी। यहाँ पे टू काट लीजिए, टू नहीं आएगा है ना, टू नहीं आएगा यहाँ पे। लेट मी गो टू स्कूल आएगा आपके पास राइट आंसर ठीक है, लेट मी गो टू स्कूल। तो ये केस, ये था इसका पहला केस जो कि आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हम हमेशा ही क्या करते हैं, सब ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं लेट के बाद। अगर दूसरा मैं सेंटेंस लूँ और मैं उसको बनाऊँ, सेकेंड सेंटेंस में ले रहा हूँ ठीक है, और मैं बोलूँ, अगर मैं लिखूँ देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन डैश एंड डैश, तो यहाँ पे ब्लैंक्स में आने वाले दोनों केस भी आपका ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है ठीक है। जितने भी दोनों ब्लैंक्स जो मैंने छोड़े हैं उनमें भी आपके पास क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और सब्जेक्ट कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो मान लो मैंने लिख दिया बिटवीन यू एंड मी, देर इज़ नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड मी। अब यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। आई का आई सब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस आ गए ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास? ऑब्जेक्टिव केसेस हो जाएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब मैंने आपको बिटवीन वाला केस बता दिया ना ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि प्रेपोजिशन की, अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें, तो एक और सेंटेंस ले लेते हैं। देखो अगर मैं सिंपल सा सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा शी लाफ्ड एट, तो आप हमेशा आगे जो ब्लैंक होता है उस पर क्या लगाते हैं? एक ऑब्जेक्टिव केस लगाते हो। क्या लगाते हो? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि आप क्या बोलोगे? शी लुक्ड एट मी ठीक है, शी लुक्ड एट शी लुक्ड एट मी या शी लाफ्ड एट मी, कुछ भी ठीक है। तो आप हमेशा मी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि प्रेपोजिशंस लेट बिटवीन एक्सेप्ट, इस तरीके के आपके जितने भी केसेस बनते हैं वहाँ पे आपने इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को प्लेस करना है। यू विल ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केसेस। क्लियर है सबको? ठीक है, कमेंट्स में बताओ। चलो जल्दी से, इतना क्लियर है तो कमेंट्स में बता दो मेरे को। जब तक मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, सेंटेंस नंबर 4। यू का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? रिया राणा। यू का पोजेसिव, एक मिनट रिया, मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है। ही, पहले ये सेंटेंस लिख लेता हूँ, ही लव्स ऑल एक्सेप्ट मी ठीक है। तो यहाँ पर लव एक्सेप्ट के बाद देखो क्या आया, फिर से क्या लगाया मैंने, ये ठीक है। पूजा जोशी ने आंसर दे दिया है शायद, मेरे को लगता है रिया राणा का। हाँ जी ठीक है ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स हो जाता है ठीक है। क्या हो जाता है? योर्स हो जाता है ठीक है। और पोजेसिव एडजेक्टिव बोलना हो तो क्या बोलेंगे? तो योर बोल देंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव योर, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स। सब्जेक्ट होता है यू का यू, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ठीक है। अगर किसी को नहीं आएगा तो ये टेबल देख लेना जो पीछे बनवाया था, इसको दोबारा से देख लेना ठीक है। जब लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से इसको अलग से दोबारा से देख कर यूट्यूब पर देख लेना चाहे तो, इसको नोट डाउन कर लेना अपनी अपनी कॉपीज़ में। हाँ जी ठीक है। ठीक है रिया, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा आपके पास ठीक है। वाई ओ यू आर एस, योर्स। चलिए तो मैंने तीन चार सेंटेंसेस लिख दिए, आपको दिख रहे हैं ठीक है ना। फोर्थ वाला लिखा ही लव्स ऑल एक्सेप्ट मी, तो एक्सेप्ट के आगे फिर से आपने ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पर यूज किया है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 2। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर।
नेक्स्ट केस है आपके पास, स्ट्रक्चर नंबर थ्री में बोल रहा है कि रिमेंबर टू प्लेस द नॉमिनेटिव केस आफ्टर द कंपैरिजन डिग्री डिग्रीज या फिर कंजंक्शंस। ठीक है, कि आपने हमेशा ही जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, सर उसमें आपने यू नहीं लिखा है। अच्छा, यू नहीं लिखा है, ओके ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें यू नहीं लिखा, ओके ओके ठीक है, मैं लिख देता हूँ यू। ये देखो, ये आ गया यू, ऑब्जेक्ट भी आ गया यू, यहाँ आ गया योर और यहाँ आ गया योर्स। क्लियर है सबको? ठीक है, यू यू योर एंड योर्स लिख लेना इसको। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर थ्री है कि रिमेंबर टू प्लेस द नॉमिनेटिव केस आफ्टर द कंपैरिजन कंजंक्शंस। कि जितनी भी आपकी बोलता कंजंक्शंस हैं, कौन सी कंजंक्शंस? ऐसी कंजंक्शंस जो कि कंपेयर करने के लिए आप सेंटेंस में जिसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको आप सेंटेंस में किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, जैसे मान लो मैं किसी एक पर्सन, मैं बोल रहा हूँ कि ना जो राम है वो शाम से बहुत तेज़ दौड़ता है, या वो उससे राम जो है वो शाम से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम कंपेरिजन कर रहे हैं दो पर्सन का, दो नाउन्स का कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो नॉमिनेटिव केस होगा, आप नॉमिनेटिव केस याद है ना कौन सा होगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर सब्जेक्टिव केस। ठीक है जी, नॉमिनेटिव केस कौन सा हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? तो नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, ये आपको याद है। अब मेरे को आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब मैंने कंपैरिजन कंजंक्शंस की बात की है तो कंपैरिजन वाली कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस आपके पास दो तरीके से होती हैं। देखो, एक तो होती है आपके पास एज और एज वाली, ठीक है इसको लिख लेना, दूसरा होता है आपके पास दैन। ठीक है, दैन का बहुत जगह यूज़ करते हो ना, वो हम कंजंक्शन चैप्टर में करेंगे। एक एज और एज का बहुत यूज़ होता है, पेयर्स वाला कंजंक्शन है एज और एज, तो इसका भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। अब मान लो सेंटेंस एग्जांपल लिखते हैं सबसे पहले इस पे, जैसे मैंने लिखा ही इज एज फास्ट एज डैश आई और मी। ठीक है, तो मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है, जब आप उसका कंपैरिजन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं तो आप क्या लगाते हैं? हमेशा सब्जेक्टिव केस आपने लगाना है। जब लेकिन याद रखना कि आपके पास जो डिग्रीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, डिग्रीज क्या होनी चाहिए आपके पास? वो हमेशा क्या होना चाहिए आपके पास? यहाँ पर कंपैरिजन वाली डिग्रीज होनी चाहिए। ठीक है, एज हो गया, बेटर हो गया, फास्टर हो गया, और यहाँ पे देखो दैन दैन लगा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने दैन दैन से कंपैरिजन किया, यहाँ पे मैंने एज और एज लगाकर यहाँ पर कंपैरिजन किया है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर भी मैंने कंपैरिजन किया एज और एज लगा दिया। ठीक है, चलिए जी, कितना क्लियर है, सबको दिख रहा है? ठीक है, विजिबल है सबको? ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखो सेंटेंस नंबर वन में क्या बोल रहा है। सेंटेंस नंबर में वन में बोल रहा है कि ही इज एज फास्ट एज डैश। ठीक है, अच्छा आंसर आ गए सभी के, एक मिनट आंसर देखने दीजिए मुझे। पूजा जोशी ही शी शी रिया राणा जी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्लियर है सबको? ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले वाले में आपके पास सब्जेक्टिव केस आएगा तो आई आ जाएगा, सेकंड वाले में शी इज़ बेटर देन ही आ जाएगा, उसके बाद आई एम फास्टर देन शी आ जाएगा। अब जो लास्ट वाला केस है यहाँ पे देखो, मी
फर्स्ट वाले में आंसर आया है कामिनी शर्मा का मी, ठीक है, मी नहीं आएगा, आई आएगा, ठीक है ना, आई आएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना। देखो ना यहाँ पर ही लगा था, अगर ही आपके पास एक सब्जेक्ट है, शी भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर इज वर्ब लगी है, इज वर्ब लगी है, एम वर्ब लगी है, तो ही का कंपैरिजन आगे फिर एक सब्जेक्ट के साथ ही होगा। मेरे बोलने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है, एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट के साथ होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हेमंत लता का भी आंसर आ गया शी, क्लियर गाइस। वैसे बोलने में हम कई बार बोल देते हैं, ठीक है ना, बोलने में हमको कई बार बोलते हैं आई एम बेटर देन हिम, बट वैसे ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। ग्रामेटिकली अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपने इसको इस तरीके से करना है, ठीक है ना। बोलने में हम गलत कर देते हैं, तो सब्जेक्ट का जब हम कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट से करते हैं तब हम हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, क्लियर है सबको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला, आई लाइक्स यू एज मच एज डैश। अब यहाँ पर आई लाइक्स यू, आई क्या है मुझे बताइए, एक सेंटेंस का एक क्या है, एक सब्जेक्ट है, आई क्या है एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक्स एक वर्ब है, और यू क्या है एक ऑब्जेक्ट है, यू क्या है एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अब देखो, अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं हो रहा, अब किसका कंपैरिजन है, अब यू का कंपैरिजन हो रहा है किससे, यहाँ वाले वर्ड से, ठीक है, यहाँ वाले वर्ड से। तो इसका मतलब यू का, यू अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी क्या आएगा गाइज, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हर आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो वो सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। तो ये था हमारे पास लास्ट केस आपका, ठीक है। सो आई लाइक्स यू एज मच एज हर होगा, अब इस केस में आपने शी का यूज़ नहीं करना, क्लियर है सबको, ठीक है। यस पूजा जोशी आपका राइट आंसर है, लास्ट हर ही आएगा, ठीक है ना, लास्ट वाले में हर आएगा, ठीक है। तो आई लाइक्स यू आया तो यू तो ऑब्जेक्ट है, तो यू का, यू के आगे क्या लगा, एज मच एज लगा, मतलब अब कंपेरिजन हो रहा है किसका, अब तो यू का कंपेरिजन हो रहा है, तो इसलिए आपने फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ऊपर वाले केसेस में हमारे पास नहीं था ऐसा कुछ भी, ऊपर वाले केसेस में सीधा देखो शी दे रखा था, शी के बाद इज वर्ब, सीधी आगे कंपैरिजन वाली डिग्रीज लगी और फिर सीधा ही आपने कंपैरिजन कर दिया, बट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया था, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर नंबर जो थर्ड वाला केस है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर थ्री भी क्लियर है सबको, ठीक है जी। ओके गाइज, तो ठीक है, तो ये हमारे पास आज कुछ केसेस हो गए हैं, तो बाकी जो हमारे नेक्स्ट केसेस होंगे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे जाते जाते हम अपनी कुछ टिपिकल एग्जांपल्स भी लेंगे, और तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है, कल आप लाइव आ जाना, और कल हम आगे धीरे धीरे करके फिर अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और इसी तरीके से सेंटेंसेस को करते जाएंगे, ठीक है जी। मुझे लगता है कि हमारे 7 to 8 लेक्चर्स प्रोनाउन के भी बन जाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर ज़रूर कर देना, यूट्यूब पे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी।